ना होके भी तो आपने जिस तरीके का वीडियो अभी स्टार्टिंग के प्रीव्यू पे देखा है, इस तरीके का वीडियो अभी इंस्टाग्राम रील्स पे बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए आपको यहाँ पे तीन एप्लीकेशन ऐप की ज़रूरत पड़ने वाली है। पहले का नाम है पिकसाइट और दूसरे का नाम है VPN और तीसरे का नाम है कैपकट। तो दोस्तों, आपको सभी एप्लीकेशन ऐप को डाउनलोड कर लेना है। पिकसाइट आपको यहाँ पे प्ले स्टोर पे मिल जाएगा और VPN भी प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इनको डाउनलोड कर लेना और कैपकट मेरे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर लेना। अब डाउनलोड करने के बाद दोस्तों, आपको करना ही है, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना पिकसार्ट एप्लीकेशन ऐप को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं अपना पिकसार्ट एप्लीकेशन ऐप को ओपन कर ले रहा हूँ। तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हो, यहाँ पे मैंने अपना पिकसार्ट एप्लीकेशन ऐप को ओपन कर लिया है। तो ओपन करने के बाद दोस्तों, आपको एडिट फोटो के ऊपर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे इस बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना और यहाँ पे ट्रांसपेरेंट वाला बैकग्राउंड सिलेक्ट कर देना है। और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना है और वेट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, देन क्रॉप पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट के ऊपर क्लिक कर, आपको यहाँ पे स्टोरी वाले पे क्लिक करना है, देन आपको इस दर पे टिक कर देना है। अब टिक करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे आगे ऐड फोटो के ऊपर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको करने क्या है, आपको यहाँ पे अपनी एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। तो इस तरीके से अपनी फ़ोटो को ऐड कर लेना, तो ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको क्रॉप पे क्लिक करना होगा और इसको आपको स्टोरी वाले साइज पे क्रॉप करके देन टिक कर देना है। टिक करने के बाद इसको उंगली से इस तरीके से प्रेस करके इसको जूम कर लेना है और जूम करने के बाद सबसे पहले दोस्तों करने क्या है, इसकी एडजस्टमेंट पे जाना है, इसका ब्राइटनेस हल्का सा कम कर लेना है और कॉन्ट्रास्ट बढ़ा लेना है। देन आपको यहाँ पे क्लैरिटी को भी हल्का बढ़ा लेना है। देन आपको यहाँ पे शैडो पे आके हल्का सा शैडो को कम कर देना है। कम करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे अब टिक करना है और टिक करने के बाद दोस्तों, अब आपको करना क्या है दोस्तों, आपको यहाँ पे इस तरीके से ऊपर की ओर एक बार टैप कर देना। देन आपको यहाँ पे टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना और क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे जो भी लिरिक्स है आपको उसको यहाँ पे टैप करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो भी सॉन्ग हो, आपको यहाँ पे उसका लाइन आपको यहाँ पे टैप कर देना है। तो यहाँ पे मेरा ये वाला सॉन्ग है, तो इस तरीके से मैं उसका फर्स्ट लिरिक्स टैप कर दे रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको भी टैप कर लेना है। तो दोस्तों, टैप करने के बाद आपको इसके ऊपर टिक कर देना है और टिक करने के बाद दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको इसको ऊपर ही को उठा के रख लेना है और रखने के बाद दोस्तों, इस पर एक फॉन्ट को यूज करना है। तो आप यहाँ पे अपना ऐड फॉन्ट पे क्लिक करके अपना फॉन्ट को इसकी सियाल पे क्लिक करके माई फॉन्ट पे अपना क्लिक करके यहाँ से ऐड फॉन्ट कर लेना है। और ऐड फॉन्ट करने के बाद तो आपको यहाँ पे ये वाला टाबिल फॉन्ट, ये वाला फॉन्ट मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना और यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो ऐड करने के बाद दोस्तों, इस तरीके से ऐड कर लेना और ऐड करने के बाद अब आपको करना ही है, इसका कलर आपको चेंज नहीं करना है। इसके स्ट्रोक पे आना, स्ट्रोक इसका ब्लैक कर देना है। देन आपको आगे की ओर स्क्रॉल कर लेना है और यहाँ पे शैडो पे क्लिक कर देना है और शैडो इसका ब्लर इस तरीके से बढ़ा लेना है और पोजीशन पे आके इसका पोजीशन अपने हिसाब से इसको सेट कर लेना। तो इस तरीके से अपना सेट करके देन आपको यहाँ पे करना कुछ नहीं है, आप यहाँ पे इसको इस तरीके से टिक कर लेना है। टिक करने के बाद इसके ऊपर अपने क्लिक करना और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर लेना है और इसके ऊपर टैप करके आपके यहाँ पे इसको कट कर देना है। तो आपके जो लिरिक्स है इसको कट कर देना है। अब टैप करने के बाद दोस्तों, आपका यहाँ पे जो नेक्स्ट लिरिक्स है इस तरीके से आपको टैप कर देना है, देन टिक करना है। और टिक करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे फॉन्ट आपको यहाँ पे चेंज करना है। अब सीएल पे फिर से क्लिक करना और यहाँ पे माय फॉन्ट पे जाके आपको ये वाला फॉन्ट भी, आपको रूथलेस वाला आपको फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना है। इस फॉन्ट को भी मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से इनको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद कलर के ऊपर क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना और इसके कलर पे आके अपना जो भी कलर रखना हो इस तरीके से सिलेक्ट कर देना है। और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों, आपको इसको इस तरीके से छोटा करके आपको कहीं पर भी रख देना है, जहाँ पर भी रखना हो इस तरीके से रख के दोस्तों ऊपर की ओर टैप कर देना और इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी इस फोटो को सेव कर लेना है। तो दोस्तों, जैसे क्लिक करोगे ये सेव हो जाएगा। तो सेव होने के बाद दोस्तों, आपको करना ही क्या है, अब आपको अपनी फ़ोटो के ऊपर टैप करना है, रिप्लेस के ऊपर क्लिक कर देना, फिर से फ़ोटो के ऊपर क्लिक कर देना है
और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे को आके आपका नेक्स्ट फोटो को सिलेक्ट कर लेना, जो भी आपको नेक्स्ट फोटो पे ऐड करना है तो इस तरीके से ऐड कर देना। और अब लिरिक्स के ऊपर अपना यहाँ पे ऊपर टैप करना और लिरिक्स के ऊपर टैप करके इसको आपको नीचे को लेके आना है और इस तरीके से आपको जहाँ पे भी रखना हो रख लेना और उसके ऊपर टैप करके दोस्तों आपको करना ही क्या है, आपको इस तरीके से इसके ऊपर टैप करके इस तरीके से आपका जो नेक्स्ट लिरिक्स होगा इस तरीके से अपना टैप कर देना, जो भी आपका लिरिक्स हो उसका इस तरीके से रख कर देना है। तो अपना जो भी हो मैं आप दिखाने के लिए अपना कर दे रहा हूँ। इस तरीके से करने के बाद इसको आपको कर लेना है और इसको करने के बाद दोस्तों आपको इसको थोड़ा सा छोटा करके इसको आपके इसके ऊपर भी टैप करना है और इस तरीके से इसको कट करके आपको यहाँ पे लिख देना है, कुछ भी लिख देना। मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए कुछ भी टैप कर दे रहा हूँ, तो आप इस तरीके से कर लेना और करने के बाद इसके कलर पे जाके इसका कलर आपको चेंज कर देना है। तो इसी तरीके से आपको फुल लिरिक्स का आपको यहाँ पे फोटो को बना के अपना सेव कर लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने इसको कर लिया है, पहले से मैंने इन फोटो को सेव करके रखा है। तो दोस्तों अगर इसी सॉन्ग पे आपको बनाना है तो इस सॉन्ग के मैं सारे फोटो पिक्चर अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से इनको डाउनलोड कर लेना। तो इतना करने के बाद दोस्तों अब आपको VPN को कनेक्ट कर लेना होगा और VPN कनेक्ट करने के बाद आपको कैपकट एप्लीकेशन ऐप को ओपन कर लेना है। तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे मैंने अपना कैपकट एप्लीकेशन ऐप को ओपनिंग कर लिया है। तो ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर टैप कर देना होगा और टैप करने के बाद दोस्तों आपको करने के सबसे पहले अपने फ़ोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने 7 फोटो को कुल यहाँ पे टैप किया है, जो कि ये मैंने लिरिक्स था उसको मैंने टैप कर लिया। तो उसको आपको नंबर बाई नंबर से ऐड कर लेना है, जितने नंबर पे आपका यहाँ पे लिरिक्स है उसी तरीके से आपको यहाँ पे इस तरीके से अपनी सभी फ़ोटो को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे ऐड करने के बाद क्रिएट ए वीडियो के ऊपर क्लिक कर देना, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट कर लेना है और वेट करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, देन आपको सबसे पहले रेशियो पे जाना है, इसका रेशियो टिकटॉक वाला सिलेक्ट कर देना, देन टिक कर देना है। टिक करने के बाद अब आपको ऐड आईडी के ऊपर क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट के ऊपर क्लिक कर देना और इस वाले वीडियो को मेरे टेलीग्राम से जाके आप डाउनलोड कर लेना और इस तरीके से आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो दोस्तों इस वीडियो पे जो भी मटेरियल यूज होगा वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो आप टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर लेना। तो इस तरीके से ऐड करने के बाद दोस्तों आपको अब करने के सॉन्ग के ऊपर टैप कर देना होगा और यहाँ पे बीट्स के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से बीट्स लगा लेने हैं जहाँ जहाँ आपका लिरिक्स आ रहा है। इस तरीके से देख सकते हो यहाँ पे आपको बीट्स भी देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से अपने सभी जगह बीट्स को ऐड कर लेना। तो यहाँ पे मैं अपनी सभी जगह बीट्स को ऐड कर ले रहा हूँ, तो आप भी अपनी सभी जगह इस तरीके से बीट्स लगा लेना। तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे मैंने सभी जगह अपने बीट्स को ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद टिक करना है, देन आपको यहाँ पे सभी फ़ोटो के ऊपर क्लिक करके इनको बीट्स के हिसाब से अपना जहाँ पे भी आपका फर्स्ट बीट आ रहा है इस तरीके से आपको रख लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको जल्दी से रख के दिखा देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हो मैंने सभी बीट्स पे फोटो को ऐड कर लिया, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा लास्ट पे सॉन्ग रह रहा है। तो आपको दोस्तों करने क्या होगा, यहाँ पे इस वाली फ़ोटो को कॉपी कर लेना है जिसमें तेरे हवाले कर दिया है, इसको आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है आगे आके और इसको उठा के दोस्तों लास्ट पे बिल्कुल रख लेना है और रखने के बाद इसको ऑडियो को लास्ट तक अपना ऐड कर लेना। तो ऐड करने के बाद अब दोस्तों आपको स्टार्टिंग पे आना है, देन यहाँ से बैक हो जाना है और बैक होने के बाद इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, देन वीडियो इफेक्ट पे क्लिक कर देना है और वीडियो इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आगे की ओर स्क्रॉल कर लेना है और स्क्रॉल करने के बाद डिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और डिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको रिपल डिस्ट्रेशन को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसको खींच के लास्ट तक आपको लेके आ जाना है, तो यहाँ पे वीडियो के लास्ट तक लेके आ जाना। लेके आने के बाद एडजस्ट पे क्लिक करना और आपको दोस्तों करने क्या है, यहाँ पे इसकी स्पीड को इस तरीके से कम कर देनी है। करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे और कुछ नहीं करना, यहाँ से इस तरीके से बैक हो जाना है और बैक होने के बाद दोस्तों आपको जहाँ पे ये सेकेंड वाला लिरिक्स आ रहा है आपको वहाँ पे आना है, देन ओवरले पे क्लिक कर देना, ऐड ओवरले पे क्लिक करना है, व्यू ऊपर क्लिक कर देना और दोस्तों आपके यहाँ पे ये वाला इंक स्प्लेस वाला टेम्पलेट भी आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको भी डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों इसको इस तरीके से ऐड कर लेना है। तो इसको ऐड ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर देना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे इस पर क्लिक कर लेना और इसको उंगली से प्रेस करके फुल स्क्रीन पे कर लेना और इसका वॉल्यूम आपको यहाँ पे म्यूट कर देना है, कर देना है।
क्लिक करने के बाद ब्लेंड पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको लाइटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों इसको कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको सभी जगह इसको रख देना है जहाँ से आपका लिरिक्स स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके से अपना सभी जगह कॉपी करके रख देना है। तो यहाँ पर मैं आपको इसको जल्दी से आपको करके दिखा देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हो मैंने सभी जगह इसको कर दिया है। तो करने के बाद दोस्तों आपका वीडियो बन गया, कम्प्लीट तैयार हो गया है। तो दोस्तों आपको इस वीडियो को सेव कर लेना है।